अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब ठीक होंगे। तो ये है जी स्क्वायर के कुछ ड्रेसेस जो मैंने ऑन स्टिच सेल से मंगवाए थे। अच्छा, ये मैंने पिछले सीज़न में मंगवाए थे। ये अभी भी ड्रेस जो है ना, ये सीज़न में भी चल रहा है। मैंने देखा उनके पेज पे, तो मैंने इस साल स्टिच की है, लिए पिछले विंटर के सेल में थे और स्टिच अभी की हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ बारी बारी कि इनका कपड़ा कैसा है और ये स्टिच होकर कैसे बने हैं। तो सबसे पहले ड्रेस नंबर वन ये है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक है इनका, बहुत खूबसूरत ड्रेस। प्रिंट भी इनका मुझे काफ़ी पसंद आया। और ये मैंने डिस्काउंट से लिया था, ये 1200 की शर्ट थी और डिस्काउंट पे मैंने 900 की ली थी। बाद में 550 की भी इन्होंने सेल की है, तब मैं ले चुकी थी। और स्टिच मैंने कैसे की है ये मैं आपको दिखाती हूँ। उसकी नेक देखें, ये इस तरह गोल रख के और नीचे इस तरह का कट कर लिया। और यहाँ से मैंने जोड़ लिया, क्योंकि ये फिर नोक जो है ये इधर मुड़ जानी थी। मैंने जोड़ के ये डोरी लगा लिया, चाहे तो खुली रहने दे चाहे तो इसे बांध लें। और इस तरह बिल्कुल ये पाइपिंग भी नहीं है, हल्का हल्का सा कपड़ा नज़र आ रहा है। और यहाँ मैंने तीन मोती लगा लिए हैं, इससे इसकी लुक बहुत प्यारी आ रही है। और ये देखें इसके बाजू मैंने कैसे रखे हैं, ये एक एक चूना डाल के ना, बड़ी बड़ी ये छोटा सा कफ सा बना के ना, इसमें बुकरम नहीं है, ये हाली कपड़ा ही है। और इधर से घुमा के ना थोड़ा सा आगे करके, ये चाहे तो इधर भी बटन लगा सकते हैं। मैंने इधर पट्टी ऊपर रख ना, इधर एक बटन लगा लिया, ये देखें। और नीचे ये जो साइड वाला बॉर्डर देते हैं ना छोटा सा, अक्सर लोग इसे वेस्ट कर देते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इसे यूज़ में लाऊं। ये मैंने इधर ऊपर रख के लगा लिया, ये अलग था तो ये ऊपर रख के लगा लिया। इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, ये खाली शर्ट ली थी इसके साथ, अभी ट्रोज़र नहीं लिया। ये अभी स्टिच की है तो ट्रोज़र अभी लूँगी कैपरी। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक। अभी मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट ड्रेस। ये एक लिया है, ये भी खद्दड़ का है, खद्दड़ फैब्रिक है। और इसका भी ये साइड पे जो उन्होंने बॉर्डर दिया हुआ था, मॉडल ने भी ऐसे ही पहना हुआ था नेक, और मैंने भी सेम वैसे स्टिच की है। ओवरलैप कॉलर नेक ये बना रही है, देखें इस तरह बड़ी प्यारी लगती है। और बिल्कुल सिंपल थी नेक, इसलिए मैंने लगा लिया, इस तरह प्यारा लग रहा है। जिसके बाजू मैंने थोड़े खुले रखे हैं और आगे लेस लगा लिया, ये पलटे के साथ, ये देखें बहुत ही इस तरह सफाई के साथ लगती है। और नीचे भी लेस लगा लिया, साइडों पर सिर्फ ब्लू कलर आ रहा था तो मैंने लेस लगा लिया इससे मैच करके। और ये मैंने चौड़ा चौड़ा पलटा लगा लिया, इससे बहुत ही प्यारी लुक आती है। 42 इंच इसकी लेंथ रखी है और ये थोड़ी लूज़ रखी है। ये बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में मैंने स्टिच किया, बहुत ही प्यारी लगती है पहनी हुई। और इसका कैपरी मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, पोंचा नीचे से 7 इंच का रख के सिंपल स्टिच किया। और इसके साथ शॉल बड़ी प्यारी है, बहुत ही प्यारी शॉल है। ये वूल शॉल है, खद्दड़ में नहीं है, ये वूल में है। बहुत ही अच्छा फैब्रिक होता है इनका, और खद्दड़ भी काफ़ी मोटी है। इसके साथ जर्सी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यह शॉल भी बहुत गर्म है। सफायर का हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है इनका कपड़ा, बहुत ही अच्छा फैब्रिक होता है इनका और बहुत ही मुनासिब रेट में। अच्छा जी, ये एक शर्ट मैं दिखा दूँ, ये मैंने बाज़ार से ली थी, ये सफ़ा नूर कलेक्शन के, ये 3 मैंने मंगाए हैं, सिफारिश से मंगवाए थे, जो कि अभी एक स्टिच करने का बाकी है, वह बाद में आपको दिखाऊंगी जब स्टिच कर लूँगी। और ये एक मैंने लोकल बाज़ार से लिया था, अभी स्टिच की है ये भी। और उन्होंने ये बिल्कुल ऊपर से प्लेन कपड़ा, कोई प्रिंट वगैरह नहीं था, तो मैंने जो साइड पर उन्होंने बॉर्डर दिया हुआ था ये उसी से नेक डिज़ाइन किए और 3 लूप्स लगा लिए। इस तरह बड़ी प्यारी लगती है, या बॉर्डर वेस्ट ना किया करें, इससे हम अच्छी तरह डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और ये बाजू पे भी सिंपल ब्लू कपड़ा था, ये भी बॉर्डर बचा हुआ था, मैंने ऊपर आके खुले बाजू रख लिए। और नीचे ये प्रिंट था और ये पलटे के साथ ना, ये चौड़ा सा पलटा रख के ना, इस तरह बहुत प्यारी लुक आती है। ये कुर्ता, ये 37 इंच की लेंथ है, ये थोड़ा शॉर्ट कुर्ता है और खुला सा, इसकी बहुत ही कम फिटिंग रखी है, ये लूज़ फिटिंग में, और पहना हुआ बेहद खूबसूरत लगता है। अच्छा, जो ब्लू कलर का मैंने दिखाया उसकी 42 इंच लेंथ है, और वो भी थोड़ा सा लूज़ स्टाइल में, बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में मैंने स्टिच किया। और पिस्ताशियो कलर का उसकी 39 थी, और इसकी ये कुर्ता स्टाइल में है। तो इसके, अच्छा इसके साथ ना ये सिंपल शर्ट मैंने लिया, और
इसके साथ मैंने कैपरी मैच करके ले ली थी, वो भी सिंपल स्टिच की है। तो मैं हमेशा इसे जब कैरी करती हूँ कहीं जाना हो तो मैं इस तरह के ड्रेसेस जो होती है ना, मेरे पास वेलवेट की शॉल है बड़ी प्यारी सी, और मैं इसके साथ कोई भी कंट्रास्ट का स्टॉलर लेके ना तो मैच करके हिजाब कर लेती हूँ और साइड पे शॉल डाल लेती हूँ। जर्सी वगैरह नहीं पहनती, इस तरह बड़ी प्यारी लुक आती है, बहुत ही एलिगेंट सी लुक आती है। आप इस तरह की ट्राई करिएगा, देखिएगा कितना प्यारा लगता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सफारी का एक और मैंने सूट लिया, वो मैंने 2000 का लिया था, वो फ्लैट 50 से लिया था, वो मैं स्टिच करना आपको दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।